खरगोन के जेतापुर स्थित साकेत नगर के निवासी और नागालैंड में पदस्थ सैनिक नायक गजेंद्र सिंह कतरोलिया की नागालैंड में ड्यूटी पर लौटने के दौरान बिहार के मकामा में ट्रेन में हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। 40 वर्षीय सैनिक नायक गजेंद्र सिंह कतरोलिया नागालैंड में पदस्थ थे। सैनिक गजेंद्र सिंह कतरोलिया 15 नवंबर को ही छुट्टी मनाकर वापस खरगोन से नागालैंड के लिए ट्रेन से रवाना हुए थे, तभी रास्ते में हार्ट अटैक से ट्रेन में ही मौत हो गई। शहीद गजेंद्र सिंह कतरोलिया का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर आज महू से खरगोन पहुंचा। जैसे ही शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर साकेत नगर स्थित घर पहुंचा, जहां शहीद की पत्नी बार बार तिरंगे से लिपटे शव के साथ लिपटकर रोती बिलखती नजर आई, वहीं शहीद सैनिक का 9 वर्षीय बेटा नवीन और 11 वर्षीय बेटी सोनाक्षी भी अपने पिता के शव के पास बैठकर विलाप करते नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे पूर्व सैनिकों, शहर के नागरिकों द्वारा भी पुष्प चक्र अर्पित करने के साथ ही महू से पहुंची सैन्य टुकड़ी द्वारा सलामी दी गई। इस दौरान साकेत नगर से मुक्ति धाम तक सुसज्जित वाहन में शहीद सैनिक गजेंद्र सिंह की अंतिम यात्रा निकाली गई। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। विदाई दी गई, अंतिम शव यात्रा दी गई, क्या है पूरा घटनाक्रम, क्या कहना चाहेंगे आज? ये घटनाक्रम ये है कि हमारे जेतापुर निवासी शहीद गजेंद्र सिंह कतरोलिया जी, जो कि पिछले 19 वर्षों से सेना में सेवा दे रहे थे और दीपावली पर छुट्टी आए हुए थे, छुट्टी से जाने के दौरान रास्ते में ट्रेन में वो अपनी बटालियन नागालैंड के लिए जा रहे थे और ट्रेन में पटना से आगे 100 किलोमीटर पर उनका हार्ट अटैक के कारण देहांत हो गया। जब जीआरपी वालों को मालूम पड़ा तो उन्होंने उसे वहाँ पर उतारा और वहाँ के डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये पूरे सर्व सम्मान के साथ में उन्हें, जो महू से गार्ड आई थी, जो एक शहीद को सम्मान देना चाहिए वो सम्मान उन्हें दिया गया है। एक शहीद ही उन्हें भी माना जाएगा क्योंकि वो ड्यूटी के लिए जा रहे थे अपने यहाँ से और ऑन ड्यूटी थे। जर्नी पीरियड में ऑन ड्यूटी ही माना जाता है और वो ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा, इसलिए एक शहीद को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उन्हें दिया गया है। क्या नाम लिखते हैं पूरा? पुष्पेंद्र गुप्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।